मैडम, जब से आप निगम पार्षद बनी है हर हफ्ते आप सर्वे करती हैं, तो जो आप पूरे इलाके के अंदर सर्वे करती हैं वो आप किस तरीके से जाती हैं? पब्लिक की कंप्लेंट होती है उसके अनुसार जाती हैं, आप अपने स्वेच्छा से ही क्षेत्र अंदर दौरा करती हैं? पब्लिक के अनुसार भी जाती हूँ, और मैंने अपने जब चुनाव लड़ रही थी तो मैंने तभी बोला था कि जैसे कि पहले की निगम पार्षद आपके बीच में नहीं आई थी, और मैंने पब्लिक से वादा करा था कि जीतने के बाद मैं आप लोगों के बीच ही खड़ी मिलूंगी, वही मैं कर रही हूँ अपना। तो दुर्गेश तिवारी जी, आपको सबसे ज़्यादा जो समस्याएँ हैं, किन समस्याओं से जूझ रही हो आप? समस्या तो बहुत है इस इलाके में, और समस्या तो मुझे लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि जब तक हमारी जनता हमारा साथ नहीं देगी। अधिकारी हैं हमारे, वो बहुत काम कर रहे हैं, हम लोग हैं, हम भी आ रहे हैं, जनता भी है जो 10% या 20% ही हमारा साथ दे रही हैं। हमने जनता को पहले भी बोला था, आप अपने घर का कूड़ा अपने घर में रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अगर कोई कर्मचारी नहीं आता तो आप बताएं, और वो जनता हमें बता भी रही है, उसी की समस्याओं को हम समाधान कर रहे हैं। मनो, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं इस इलाके के लिए, क्योंकि और इलाकों के अंदर जो महामारी फैल रही है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, क्योंकि हमारे पास में जग प्रवेश हॉस्पिटल है और GTB है, लेकिन इस क्षेत्र के जो मामले बहुत कम जा रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इससे तो जनता को पता लग रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं, हर सैटरडे हम लोग दौरा करते हैं, ये उसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ इलाके में मलेरिया डेंगू की कोई शिकायत नहीं आ रही। दुर्गे सूर्यकांत जी, आपने मैडम वो घरेलू महिला से आपने राजनीति में ले आए, और आपका पूरा परिवार ही राजनीति में है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हम लोगों ने तो केवल जीवन में जनता की सेवा करने के अलावा दूसरा काम कोई सोचा नहीं, जितना भी हो सकता है अपना समय निकाल करके राजनीतिक सामाजिक तौर पर क्षेत्र में जनता की सेवा कर सकें। 26 अप्रैल 2017 को हम चुनाव जीते थे, और मैं समझता हूँ कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के इतिहास में शायद पहली एक ऐसी निगम पार्षद हैं घोंडा की, श्रीमती दुर्गेश तिवारी, जो कि हर शनिवार 26 अप्रैल के बाद लगातार मैं लगता है कि गंगोत्री विहार में लगभग 7वां 8वां दौरा है हमारा। इन 6 महीनों के अंदर हम पूरे इलाके के हर गलियों में पहुंच चुके हैं, जनता के बीच में जाते हैं, और जनता हमारे से शिकायत करती है और उसका हम समाधान भी तुरंत कराने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम में कुछ कमियां हो सकती हैं, उसको भी हम जनता के बीच में जा कर के पूछते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियाँ हैं, अगर हमारे अंदर जो कमी है उसको दूर करने का हम प्रयास करते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले नगर निगम के चुनाव जो निगम पार्षद थे यहाँ से जीते हुए थे, जो कांग्रेस की थी राजकुमारी, उनके राज में यहाँ पर डेंगू, चिकनगुनिया, गंदगी की भरमार थी और सफाई कर्मचारी नदारद थे। आज मैं विश्वास के तौर पर कह सकता हूँ कि 100 में से 95% कर्मचारी क्षेत्र में काम कर रहा है, अगर 5% कर्मचारी नहीं है तो या तो बीमारी के कारण छुट्टी पर होगा या उसकी कोई परेशानी हो सकती है पर्सनल, मुझे लगता है सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, और इन्हीं कर्मचारियों के बल पर ही हम जो प्रधानमंत्री का सपना है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का, उसको हम घोंडा में आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब आप जनता से अब क्या अपील करेंगी? मैं जनता से यही अपील करूंगी कि वो मेरा सहयोग करें, अपना कूड़ा है, जितने भी दुकानदार हैं मैं सभी दुकानदारों से यह कहना चाहूंगी कि अपनी दुकान के आगे डस्टबिन रखें, रैपर जो भी हैं वो नाली में ना फेंकें, जिसकी वजह से बड़े नाले जो जाम हो जाते हैं, फिर अंदर छोटी गलियां हैं वो जाम हो जाती हैं, और आम पब्लिक को परेशानी होती है, यही सहयोग चाहिए मुझे। मतलब कुछ देखा गया है कि जो ये कूड़ा उठाने वाले हैं, या मतलब जो गाड़ी हैं या ट्रैक्टर हैं, ये इस तरीके से इनका एक व्यवहार होता है कि बीच में गाड़ी लगा देंगे, पूरा ट्रैफिक जाम कर देंगे कि इधर उधर से उठाने की वजह, और हॉर्न देते रहो, पूरा ही जाम ऐसा कर देते हैं कि भाई हम तो कूड़ा उठा रहे हैं, तो इसके लिए भी आप कुछ इनको आदेश देंगे भी आपको गाड़ी साइड में लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? इसका भी मैं पब्लिक को ही बोलूँगी, क्योंकि गलियों में आपने भी देखा होगा घर के बाहर अपनी मोटरसाइकिल लगा ली, गाड़ियाँ लगा ली, तो जो गाड़ी टीपर आते हैं हमारे वो कैसे निकलेंगे, इसी कारण कई गलियों में गाड़ियाँ भी नहीं जाती। हम अपने अधिकारियों को बोलते हैं कि आपने यहाँ से कूड़ा क्यों नहीं उठाया, तो हमें यही कहते हैं मैडम गाड़ी खड़ी हम कैसे उठाएँ, हम कैसे क्लीन करें। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि पब्लिक का साथ बहुत ज़रूरी है सफाई में, जब तक पब्लिक साथ नहीं होगी तब तक सफाई नहीं होगी। धन्यवाद। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी से एक मांग करना चाहता हूं कि जो देश में हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले पे जो अपने उद्बोधन में कहा था स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का सपना जो दिखाया था, उसको आगे बढ़ाते हुए अगर आदरणीय केजरीवाल साहब वास्तव में दिल्ली को स्वच्छ देखना चाहते हैं
और स्वास्थ्य उनका अच्छा हो यहाँ के नागरिकों का, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम के हिस्से का पैसा है उसको तत्काल रिलीज़ करें, जिससे कि यहाँ के निगम पार्षदों को फंड मिल सके और इस नगर निगम जो कि आज घाटे में चल रही है, अगर जो दिल्ली सरकार के द्वारा पैसा दिया जाना है, जो 92,000 करोड़ रुपया जो बनता है उसमें मात्र 2800 करोड़ रुपये दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया, 6200 करोड़ रुपया आज तक रिलीज़ नहीं किया, अगर ये 6200 करोड़ रुपये अगर केजरीवाल गवर्नमेंट पूर्वी दिल्ली नगर निगम को दे देती है तो मुझे लगता है कि जमुना पार के अंदर विकास की गंगा बह जाएगी। केजरीवाल जी कहते हैं केंद्र सरकार से पैसा नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी पैसा नहीं दे रहे हैं। मैं बताता हूं कि जो भी पैसा दिल्ली गवर्नमेंट को आता है वो केंद्र सरकार के थ्रू आता है, एक प्रणाली बनी हुई है। केंद्र सरकार जो भी पैसा देगी जिस हेड में, वो पहले दिल्ली सरकार में आएगा और दिल्ली सरकार नीचे की एजेंसी को रिलीज करती है। मगर केजरीवाल साहब केवल और केवल क्षेत्र की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं और राजनीति करना चाहते हैं। अगर वो वास्तव में दिल्ली के जनता के हित की बात सोचते हैं तो उनको तत्काल नगर निगम के हिस्से का पैसा उनको दे दिया जाए। तो मुझे लगता है, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मैं आपसे खुद एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जब तक 15 साल तक शीला दीक्षित की सरकार थी तो क्या दिल्ली नगर निगम में कभी हड़ताल हुई क्या? मुझे लगता है 15 साल में शायद एक बार हुई थी मेरी जानकारी के मुताबिक। और आदरणीय केजरीवाल जी की जब से गवर्नमेंट आई है लगभग 2.5 वर्ष हो गया है, 19 बार हड़ताल हो चुकी है। तो दिल्ली के राजा तो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने कहा, पहले तो कहा कि मैं दिल्ली का आम आदमी हूँ और विधानसभा में उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ। वास्तव में अगर आप दिल्ली के मालिक ही हैं, हम मान लेते हैं आप मालिक हैं, मगर जनता को तो यूं परेशान न करें, उसके हिस्से का पैसा दें जिससे कि हम विकास कर सकें।